ऐसे ही छोड़ते जाएंगे ये बूढ़ी गायें और बच्चे इनके। अरे डेयरी वालों ने तो अपना मुनाफा कमाना है, काफी समय पड़ा है अभी इलेक्शन में, मंत्री जी ने तो अपना भी पेट बढ़ाना है। और अभी की एक बड़ी खबर आपको बता दें, मेघालय सरकार में बीजेपी के मंत्री सनबोर शुलई ने लोगों से मुर्गे, भेड़, मछली या बकरे का मांस खाने की बजाय ज्यादा से ज्यादा बीफ खाने को कहा है। कोई कुत्ता या गाय आए हमारे दरवाजे में, देखो भाई हमने तो उसे डंडा मारकर भगाना है। कुछ पब्लिसिटी हो जाती तो कर दिया, वरना एनजीओ तो एक बहाना है। हम क्यों सिखाएं अपने बच्चे को ये फर्स्ट एड वर्स्ट एड? ना भाई, हमने तो गंद को हाथ ना लगाना है। मरते हैं ये जानवर तो मरने दो, ये सब तो आना जाना है। रुकिए, क्या आपको पता है कि ये जाना आपका भी पक्का है? ये सब एनजीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमने भी माना है, लेकिन मुझे सिर्फ मेरे 3 सवालों का उत्तर दीजिए। क्या आपके घर में कभी चोर आ जाएं तो क्या आप पुलिस के आने तक का वेट करोगे? दूसरा सवाल, क्या अगर आपके घर में आग लग जाए तो आप उस आग को बुझाने तक फायर ब्रिगेड का वेट करोगे? तीसरा सवाल, भगवान ना करे कल आपका कोई करीबी मौत के मुंह में हो तो आप डॉक्टर आने तक का वेट करोगे क्या? आप उसको बचाने के लिए कोई तो प्रयास करोगे ना? तो आप फिर इन बेजुबानों पर हो रही क्रूरिटी को देखकर किसी एनजीओ का वेट क्यों करते हैं? आप इन बेजुबानों की बॉडी पर अगर कोई भी जख्म देख लेते हैं तो एनजीओ के ट्रीटमेंट करने तक का क्यों वेट करते हैं? अब तो इनको फर्स्ट एड कैसे दें? ऐसी वीडियोस काफ़ी चैनल डालने लगे हैं और हमारे चैनल में भी ऐसी सीरीज अब शुरू हो गई है। क्या ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ एनजीओ की ही है? जरा सोचिए और सिर्फ सोचते मत रह जाइए, हमें आपकी ज़रूरत है, आप सबकी।